now we are going to discuss about elements of atmosphere as we have just discussed about the atmosphere that is about the psychological thing so now we are going to see what are the elements which are associated with atmosphere there are four major elements that are associated with the atmosphere created by the retailer first of all it is about the store layout overall store layout second is about

बेशक वो स्टोर का एक्सटीरियर हो बेशक वो स्टोर का इंटीरियर डिस्प्ले हो बेशक वो स्टोर का जनरल इंटीरियर हो ताकि आप एक अच्छा रीज़नेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें अपने कस्टमर के लिए क्योंकि अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो कस्टमर इनक्रेज होगा ज़्यादा बाय करने के लिए बाय करने के लिए और इवन रिकमेंड करने के लिए टू दी अदर कस्टमर्स ताकि आप उसके अंदर बेनिफिशरी हों उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर प्लानिंग के हवाले से तो आपको जब हम एक्सटीरियर की बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे बातें हैं कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेन्ट्स हैं जो कि आपको एक्सटीरियर की प्लानिंग के अंदर यू नीड टू कीप इन टू कंसिड्रेशन तो सबसे पहली बात जो हमारे पास है दैट इज़ द स्टोर फ्रंट स्टोर का फ्रंट किस तरीके से होना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसका क्या साइज़ होना चाहिए उसकी क्या मेजरमेंट होनी चाहिए उसका हाउ द स्टोर फ्रंट शुड लुक लाइक वो मेटल का होना चाहिए वो ग्लास का होना चाहिए सो वट्स एवर इज़ द डिसीजन आपको एक्सटीरियर प्लानिंग के uh, uh, के अंदर स्टोर के फ्रंट को डिस्कशन कर, डिस्कशन करनी है देन हमारे पास जो सेकेंड like? पार्ट है इट इज़ अबाउट द एंट्रेंस हाउ द एंट्रेंस वुड बी हाउ द एंट्रेंस वुड लुक लाइक कस्टमर की कन्वीनियंस के, के हवाले से कस्टमर को एटमोसफियर के इम्पैक्ट के हवाले से कंपटीशन से डिफ्रेंसीेशन के हवाले से और आपके अपने इमेज के हवाले से सो एंट्रेंस ऑल्सो यू हैव टू डिस्कस देन डिस्प्ले विंडोज़ क्या स्टोर के अंदर डिस्प्ले विंडोज होंगी क्या स्टोर के अंदर डिस्प्ले विंडोज़ नहीं होंगी जिस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनली सो ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द स्टोर हैव दी डिस्प्ले विंडोज़ अगर हम बात करेंगे लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो कंसिडरिंग दम्पैक्ट एंड सो एंड सो तो वहाँ पर डिस्प्ले विंडोज़ का कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा है बहुत कम है फिर एक्सटीरियर बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी कितनी होनी चाहिए क्या रिकमेंडेड है आपके कस्टमर का क्या बिहेवियर है वो कितने फ्लोर्स पे है अगर हाइट ज़्यादा है तो क्या आपके पास लिफ्ट की फैसिलिटी है तो वो तमाम फैक्टर या एलिवेटर की फैसिलिटी है वो तमाम कॉम्पोनेंट्स डिस्कस होंगे एक्सटीरियर प्लानिंग के परस्पेक्टिव में और फिर बिकॉज दे हैव द इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल एटमोसफियर फिर सराउंडिंग स्टोर्स या सराउंडिंग एरियाज कितना है वो भी आपको कंसिड्रेशन में रखना पड़ेगा पार्किंग फैसिलिटी क्या बेसमेंट में होगी स्टोर के फ्रंट पे होगी या नहीं होगी क्योंकि अगर नहीं होगी सो इट विल क्रिएट अ वेरी बैड इम्पैक्ट इस तरीके से लोकल स्टोर हैं मेजोरिटी हैव द पार्किंग फैसिलिटी इशू इंटरनेशनल स्टोर हैं इवन पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत रीजनेबल पार्किंग फैसिलिटी मौजूद है बेशक वो बेसमेंट के अंदर है बेशक वो स्टोर uh, के फ्रंट के ऊपर है बट देयर इज प्रॉपर पार्किंग फेसिलिटी तो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर ऑफकोर्स उसकी प्रॉपर्टी उसकी गाड़ी है और वो इफ यू इट इम्स यूर दैट ऑफकोर्स आपके कस्टमर की रेपटेशन आपके कस्टमर की लॉयल्टी इफेक्ट होगी वो अंदर से मुतमईन आएगा स्टोर से बट बाहर आके वन सी सीज के उसकी गाड़ी को कोई डैमेज हो गया है उसकी गाड़ी को नुकसान पहुँच गया है तो वी विल नॉट बी अ हैप्पी कस्टमर गोइंग होम तो एक्सटीरियर प्लानिंग के अंदर स्टार्टिंग फ्राम द स्टोर फ्रंट डिस्प्ले विंडोज स्टोर एंट्रेंस ये तमाम बातों को हम कंसिड्रेशन में लेकर आते हैं देन क्या ऑल्टरनेटिव है इन प्लानिंग अ बेसिक स्टोर फ्रंट जब हमने स्टोर के फ्रंट को डिजाइन करना है तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद हैं सबसे पहले हमारे पास एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर की ऑप्शन मौजूद है हमारे पास प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की ऑप्शन मौजूद है जो नॉर्मली मल्टानेशनल यूज कर रही होती हैं हमारे पास प्रोटोटाइप स्टोर की ऑप्शन मौजूद है रिसेस्ट स्टोर फ्रंट की ऑप्शन मौजूद है विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास ग्लास फ्रंट और वो सारी चीज़ें हों एंड देन यूनिक बिल्डिंग डिजाइन का ऑप्शन मौजूद है ये वो सारे बेसिक स्टोर फ्रंट्स हैं जो कि एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली जो नया रिटेलर है वो तो डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस करता रहता है जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स हैं क्योंकि उनका एक सेट इमेज uh, बिल्ड हुआ होता है इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर और वो जिस स्टोर फ्रंट को यूज कर रहे होते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि दे टेक द रिस्क इन चेंजिंग दैट स्टोर फ्रंट ताकि बिकॉज कस्टमर विल हैव कैन बी हैव अ नेगेटिव फीलिंग ऑफ द चेंज इज वट यू हैव डन तो कस्टमर शुड हैव टू हैव द पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव फीलिंग ऑफ द स्टोर फ्रंट्स बिकॉज दैट इज वन सी एंटर्ड इन टू द स्टोर और वन सी इज गोइंग टू सी योर स्टोर इट शुड बी हैप्पी एनफ दैट आई एम गोइंग टू बाय माई प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस स्टोर विच इज बिन सेलेक्टेड बाई हिमसेल्फ सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एटमोसफियर शुड बी शुड बी एज पर हीज नीड्स शुड बी एज पर हीज लाइफलीनेस शुड बी एज पर हिज डिजायर सो अल्टीमेटली दिस विल बिंग रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट इन दिन दैन अगर हम बात करते हैं स्टोर की एंट्रेंस के हवाले से तो हमें देर आर फ्यू क्वेश्चन विच नीड्स टू बी आंसर्ड सबसे पहले हाउ मेनी एंट्रेंसेज यू नीड कितनी एंट्रेंसे चाहिए आपको एक एंट्रेंस चाहिए दो एंट्रेंस चाहिए वन मेन एंट्रेंस चाहिए वन साइड एंट्रेंस चाहिए फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टोर ऐसे हैं कि जहाँ पे जो की कस्टमर्स हैं जो मेन कस्टमर्स हैं जो की अकाउंट्स हैं जो लॉयल्टी कस्टमर्स हैं दे हैव सेपरेट एंट्रेंस दे हैव सेपरेट एग्जिट दे हैव सेपरेट सिटिंग एरिया बिल्कुल इसी तरीके तरीक से जिस तरीके से एयरपोर्ट्स के ऊपर फॉर नॉर्मल कस्टमर दे रे सेपरेट फैसिलिटी फॉर सी आई पी लाउज कस्टमर दे सेपरेट फैसिलिटी कार्ड होल्डर्स सेपरेट फैसिलिटी

आइडेंटिफाई करनी है और अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करनी है फिर किस तरह के वॉकवे गेट्स डिज़ाइन होंगे ताकि कस्टमर को इनकन्वीनियंस भी ना हो और स्टोर का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाए सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाए तो तमाम ऑब्जेक्टिव्स को सर्टिफाई करने के लिए स्टोर का मकसद ये है कि स्टोर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस भी है फ्रॉम द रिटेल स्टोर और अगर कस्टमर हैप्पी है सैटिस्फाइड है ग्रैटिफाइड है अल्टीमेटली ई विल बाय फ्रॉम दैट रीटल्स टू